गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। असम राइफल्स ग्रांटेड पावर टू अरेस्ट एनीवन इन द नॉर्थ ईस्ट। असम राइफल्स जो कि म्यांमार की सीमा पर तैनात है, केंद्र ने उन्हें सशक्त किया है कि वे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और कोई भी जगह की छानबीन कर सकते हैं। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार एक अधिकारी जो कि असम राइफल्स के सदस्यों में सबसे लोवेस्ट रैंक है, सबसे नीची रैंक है, उसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत ये शक्तियां दी गई है। इससे पहले असम राइफल सिर्फ उन्हीं जगहों में गिरफ्तारियां कर रही थी जहां पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट प्रभावी था। उन्हें मिजोरम में गिरफ्तारियां और बरामदगियां करने में बहुत तकलीफें आ रही थी क्योंकि वहां पे अफ्सपा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज नाउ ऑल कैप एफ पर्सनल कैन अवेल फ्लाइट। गृह मंत्रालय के एक आदेश अनुसार कश्मीर वादी में तैनात सारे रैंक्स के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जवान ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए या छुट्टी पे जाने के लिए कमर्शियल फ्लाइट सर्विसेज के हकदार है। इससे पहले सिर्फ इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अब से कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रैंक वाले जवान भी इसके लिए पात्र होंगे। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली फॉर प्रोटेक्शन टू कश्मीरीज फ्रॉम अटैक्स। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट कश्मीरियों की सुरक्षा से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के लिए राजी हो गया है, स्पेशली छात्रों की जो कि पुलवामा आत्मघाती हमले के बाद उत्पीड़न और हमले के शिकार हो रहे हैं। भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में एक बेंच ने सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस को यह आश्वासन दिया है कि एडवोकेट तारिक अदीब द्वारा फाइल की गई याचिका पर शुक्रवार को विचार किया जाएगा। अगली खबर है पेज 7 पे। एचएल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ऑन अ पार विद पीयर्स से सीएमटी। गुरुवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह कहा कि उसकी उत्पादन की क्वालिटी और क्षमता दूसरे तुलनीय एरोस्पेस जैसे कि OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के बराबर है। इस रक्षा के सार्वजनिक उद्यम को जो कि स्टेट ओन्ड है कि निंदा मिनिस्टर्स और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स ने की थी, ये कह के कि इसके द्वारा बनाए जाने वाले विमान जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाए जाते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता इतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट इज डेडलियर वर्जन ऑफ ब्रह्मोस टू बी टेस्टेड इन 3 years। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का एक अति आकर्षक और अधिक घातक संस्करण का विकास जारी है और लगभग अगले 3 साल में ये टेस्टिंग के लिए भी तैयार हो जाएगा। ऐसा कहना है ब्रह्मोस एयरफोर्स के CEO और MD डॉक्टर सुधीर के मिश्रा का। इसके लिए ब्रह्मोस मिसाइल में कई मैकेनिकल कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स द्वारा रिप्लेस किए जा रहे हैं जो कि उसकी साइज कम कर देगा, घटा देगा। इसके सब सिस्टम्स ऑलरेडी विकसित किए जा चुके हैं और अगले 3 साल में इसका प्रोटोटाइप लॉन्च के लिए तैयार हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। आपको बता दें कि ब्रह्मोस भारत और रशिया के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है, एक संयुक्त उद्यम है जिसका नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रशियन नदी मोस्कोवा पर रखा गया है, ब्रह्मोस। नेक्स्ट इज हाई कोर्ट पुल्स अप तमिलनाडु गवर्नमेंट ओवर प्रोक्योरमेंट ऑफ एड्स। पिछले साल अगस्त में तमिलनाडु के राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया था जिसके अंतर्गत स्कूलों में इंप्लीमेंट किए जा रहे नून मील स्कीम में एग्स प्रोक्योर करने का सिंगल टेंडर, स्टेट लेवल का सिंगल टेंडर बुलाना बंद कर दिया गया था और उसकी जगह पे जोन वाइज टेंडर दिया जाने लगा था और राज्य को इस चीज के लिए 6 जोन्स में बांटा गया था। तो इस निर्णय को मद्रास हाई कोर्ट ने शालीन, विकृत और मनमाना करार दिया है। आपको बता दे कि सन 1962-63 में तत्कालीन
मद्रास राज्य जो कि अब तमिलनाडु है, एक फुल फ्लेज नून मील स्कीम प्राइमरी स्कूल्स में शुरू की गई थी। सन 2006 में राज्य ने स्टेट लेवल सिंगल टेंडर सिस्टम को रोकने का निर्णय लिया और अंडों की खरीद डिस्ट्रिक्ट लेवल टेंडर्स के जरिए करने का निर्णय लिया। लेकिन इस नई मेथोडोलॉजी की वजह से अंडों की सप्लाई में कार्टेल यानी कि उत्पादक संघ बढ़ने लगे। इसीलिए साल 2012 में राज्य सरकार ने फिर से सिंगल टेंडर सिस्टम जारी करने का निर्णय लिया और इस निर्णय को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही ठहराया गया। हालांकि पिछले साल अगस्त में ही फिर से सरकार ने सिंगल टेंडर सिस्टम को खत्म करने का निर्णय लिया। आते हैं पेज 10 पे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंडेम्स पुलवामा अटैक। गुरुवार को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पुलवामा हमले की निंदा करते हुए ये कहा है कि जो भी इस हमले के उत्तरदायी है उन्हें जवाबदेह बनाया जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इस स्टेटमेंट में जैशे मोहम्मद का नाम लिया गया है जिसने इस हमले का उत्तरदायित्व लिया था। यूएन के सूत्रों के अनुसार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये स्टेटमेंट सिक्योरिटी काउंसिल में हुई काफी लंबी बातचीत के बाद रिलीज किया गया। चाइना को थोड़ा अतिरिक्त वक्त चाहिए था सोचने के लिए। वहीं फ्रांस भी समानांतर स्तर पर जेईएम के चीफ मसूद अजहर को सैंक्शन करने के लिए काम कर रही है। 2017 में अजहर के खिलाफ इसी तरह की एक कार्रवाई को चाइना ने ब्लॉक कर दिया था और मंगलवार को यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेस ने इंडिया और पाकिस्तान से अपने तनाव को कम करने के लिए कहा है और मीनिंगफुल म्यूचुअल एंगेजमेंट सार्थक आपसी जुड़ाव की सलाह दी है। नेक्स्ट इज विल स्टॉप इंडिया शेयर ऑफ वाटर गोइंग टू पाकिस्तान सेज गडकरी। गुरुवार को रोड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर रिसोर्स मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ये दोहराया कि इंडस के नेटवर्क की नदियां जो कि भारत के क्षेत्र में बहती है उसका पानी अब भारत द्वारा यूज किया जाएगा। नितिन गडकरी का ये स्टेटमेंट एक और घोषणा के साथ संयोग रखता है और वो है पंजाब की रावी नदी के ऊपर शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट की घोषणा। इस डैम के लिए 485.38 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता 2018 से 2023 के बीच दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन से इम्प्लीमेंटेशन से पंजाब में तकरीबन 5,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की जाएगी और जम्मू और कश्मीर में 32,173 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की जाएगी। एक बार इस प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन हो जाता है तो भारत अपने हिस्से का पानी जो फिलहाल पाकिस्तान में जा रहा है वो इस्तेमाल कर सकेगी। नेक्स्ट इज लैक्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स फेस एविक्शन। हाल ही में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश अनुसार लाखों लोग जो कि शेड्यूल ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर ओटीएफडी को बिलोंग करते हैं उनका निष्कासन हो सकता है। दे कैन बी एविक्टेड क्योंकि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 के अंतर्गत 21 राज्यों में इन लोगों का वनवासी होने का दावा रिजेक्ट कर दिया गया है। 3 जज की एक बेंच जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा, नवीन सिन्हा और इंदिरा बैनर्जी है, उन्होंने 13 फरवरी को ये ऑर्डर दिया है कि इन सारे राज्यों के चीफ सेक्रेटरी उन लोगों को वहां से बेदखल करें जिनको लॉ के अंदर कानूनन वनवासी होने का दावा रिजेक्ट कर दिया गया है। इन चीफ सेक्रेटरीज को उन लोगों का निष्कासन सुनिश्चित करना होगा और कंप्लायंस रिपोर्ट जुलाई 24, 2019 से पहले सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी जो कि अगली हियरिंग की अगली सुनवाई की डेट है। नेक्स्ट इज इलेक्शन कमीशन अलॉट सिंबल्स टू 27 अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज। आगामी लोकसभा इलेक्शन के लिए 27 रजिस्टर्ड लेकिन गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों को इलेक्शन सिंबल आवंटित किए गए हैं जैसे कि चप्पल्स, टी फिल्टर, चपाती रोलर, गैस स्टोव, फोन चार्जर और कई सारे। उदाहरण के तौर पे
राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में पूरी 80 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, उसको स्टूल दिया गया है इलेक्शन सिंबल के तौर पे। आते हैं आखिरी पेज पे हमारी आखिरी खबर के लिए। WHO प्रिस्क्राइब्स एरोबिक्स 150 टू स्टे फिट। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज घटनाओं को कम करने के लिए शारीरिक गतिविधि फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत दोहराते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह निर्धारित किया है कि हफ्ते में 150 मिनट की शारीरिक गतिविधि फिजिकल एक्टिविटी होनी ही चाहिए, और साथ ही साथ ये भी किया है कि शारीरिक निष्क्रियता फिजिकल इनएक्टिविटी वैश्विक मृत्यु दर का चौथा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, ब्रेस्ट एंड कोलन कैंसर, डिप्रेशन और रिस्क ऑफ फॉल्स का खतरा बना रहता है, लेकिन इन खतरों को टाला जा सकता है रेगुलर और पर्याप्त फिजिकल एक्टिविटी से। इसी के साथ हमारा आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है। द हिंदू के करंट अफेयर्स के डेली वीडियोस हिंदी में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AA शाह यंग IAS को सब्सक्राइब करें। बेल का बटन दबाना ना भूलें।